फिनटेक क्या होता है? ये वर्ड आपने सुना होगा फिनटेक, लेकिन ये होता क्या है? पॉपुलर वर्ड है काफी, लेकिन ये होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझ लेते हैं छोटे से वीडियो में। फिनटेक यानी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है, वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं फिनटेक, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो समझ लेते हैं। फिनेंशियल सर्विसेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू प्रोवाइड करने वाली एक ब्रॉड कैटेगरी है ये फिनटेक। फिनेंशियल टेक्नोलॉजी क्या है? फिनेंशियल सर्विसेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू प्रोवाइड करने वाली एक ब्रॉड कैटेगरी है। ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फिनेंशियल सर्विसेज को इंप्रूव, स्ट्रीमलाइन और एक्सेसिबल बनाने का काम करती है। फिनटेक कंपनीज ट्रेडिशनल बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपीट करते हैं या फिर इनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ कॉमन फिनटेक सर्विसेज और एरियाज इंक्लूड होते हैं, जो कि है ये, पहला डिजिटल पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, पीयर टू पीयर पेमेंट एप्स जैसे पेपाल, वेनमो वगैरह। दूसरा है लेंडिंग, ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो ट्रेडिशनल लोन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। फिर पर्सनल फिनांस जैसे बजटिंग एप्स, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स और फिनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स जो यूजर्स को अपने फिनेंसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फिर ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस, डिजिटल वॉलेट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज से रिलेटेड सर्विसेस वगैरह। इंश्योरटेक, इंश्योर रिलेटेड टेक्नोलॉजी जिसमें डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स और ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसेस शामिल होते हैं। फिनटेक की मदद से फिनेंशियल सर्विसेज यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेसिबल बन सकते हैं। इसमें इनोवेशन का भी स्कोप होता है जो ट्रेडिशनल फिनेंशियल सर्विसेज को इवॉल्व कर सकती है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बताइए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।